अच्छा है क्योंकि मैं तेरे बोलो कितना परेशान हो गया हूं। अरे हम तो हम है सूरज चंदा भी तेरे को पहुंच जाता है यार। तौबा ए मत वाली चाल जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे कुछ रंग चमन हो भाभी तेरी नहीं सुनना चाहते पत्र दे बात पत्र की अरे नैन हमसे लगाओ मेरी भाभी तेरी ना सोचा तुझे भगवान कर कभी ठिकाना नहीं मिलेगा राजा लेकिन एक बात मेरी याद रखना तू मेरी जिंदगी के पीछे लगा है मेरी एक किस्मत रोते ही रोते जा रही है तेरे सामने एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे चूल्हे पर पानी नहीं नसीब होगा। तो कितने मातर चौध वाले है भाभी काफी परेशान हो गया यही कहता हूँ कि एक बार यार अपने होठों को रस भाई चला जा तू यहां से तेरी भगवान ने सुनना चाहिए साला भाभी चला तो जाऊंगा लगी है तेरी फसल में इसी वक्त आग लगा दूंगा जाकर तेरी फसल को आग लगा दूंगा जब खाने को एक दाना नहीं होगा पेट भर भोजन नहीं पाएगी मैं किसके दरवाजे की रोटी का टुकड़ा मांगूंगा तो आप भी कहता हूं मेरा कहना मान मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी नहीं करेंगे तो ऐसी फसल में जाकर हेलो ये आ गए सुरेंद्र कुमार यादव जी सुरेंद्र कुमार यादव उनकी तरफ से ये 10 रुपया मिल रहे हैं कह रहे हैं भाभी देवर मान जावाए या भगवान ये मेरी फसल जलाने को कह रहा है अगर मेरी फसल में आग लगा दिया तो मैं किसके दरवाजे एक रोटी का टुकड़ा मांगने के लिए जाऊंगी भैया पड़ोसी मेरे भाई को लोग मेरी मदद करो भैया कोई लोग जल्दी से मेरी मदद करो। या भगवान इस गरीबी में कोई नहीं सहाय हो रहा है भैया मदद करो कहां मर गए सब लोग। क्या गए शंभु दयाल गंगापुर निवासी उनकी तरफ से 101 रुपया व्यवहार है लंसरो थोड़ा ध्यान दो। अरे भैया मुझे एक कागज और कलम ला दो जल्दी से वो दे लग गया एक मेरा खत तैयार कर दीजिए जल्दी से लिख लो मेरे भाई खत भेजने वाली आपकी प्रिय गौरी
खत भेजने वाली आपकी प्रिय गौरी, आगे का शुभ समाचार ये है, आगे का शुभ समाचार ये है, घर में राजा बेटी का जन्म हो चुका है, घर में राजा बेटी का जन्म हो चुका है। आपका भाई राजू मुझे आए दिन परेशान किया करता है, मुझे आए दिन परेशान किया करता है। मेरा खत पाते ही पाते एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर चले आओ, एक हफ्ते के लिए घर चले आओ। ग्राम जगतगंज पोस्ट जौनपुर जिला जौनपुर जाओ मेरे भैया, ये मेरा खत पहुंचा। अबे बिल्कुल हम डारे दे और तनु खोटी दिया कि जल्दी पहुंच, जल्दी से जाओ भैया। या भगवान, कोई लोग मेरे देवर को समझा दो जाकर कि ये मेरी फसल को मत जलाए, वो दुनिया में है कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा मालूम होना चाहिए, जो लड़के ट्रेनिंग कॉलेज के लिए भेजे गए थे उस सबकी ट्रेनिंग पास हो गई है। जाओ माधवराम को मेरे पास बुला के लाओ। ठीक साहब। ए आगे भैया, हमारे राम सुरु मकान मालिक की तरफ से जज बैग के लिए इनाम आया है, बैठे को धन्यवाद। सर माधवराव, आपने मुझे अचानक बुलाया और बुलाने का कारण हम जानना चाहते हैं। माधवराव, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे ट्रेनिंग में कामयाबी मिली, ऊपर वाले ने तुम्हारा बहुत साथ दिया। जी सर। और तुम्हें वर्दी भी मिल गई। जी सर। मेरे कहने का मतलब इस वर्दी की अहमियत रखना और कानून की हमेशा रक्षा करना। दूसरी बात यह है कि तुम्हें किस थाने का चार्ज मिलेगा अभी से मालूम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन गेट पर कौन आवाज दे रहा? हवलदार साहब, ये तखत आए और जो कोई पढ़े लिखे हो तो एक पढ़ ले। इस ऑफिस के अंदर सब गंवार बसते हैं, उल्लू की भट्टे कहते, कोई पढ़ा लिखा तो देख ले। चौकीदार, पुलिस अफसर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, है ना? तुम्हारी तरह गवार होता है। चलो बैठने की व्यवस्था करो। साहब, ये तो पत्र मेरी प्रिय गौरी ने भेजा है। हाँ साहब, और इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आ जाओ, तुम्हारा भाई राजू आए दिन परेशान करता है। साहब, ये हमारा भाई है। तुम्हारा भाई कैसा नालायक है, तुम्हारी वाइफ को परेशान करता है, और तुम्हारी वाइफ ने इस खत पे लिखा हुआ है, उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? नहीं साहब, वो बच्चा है और वो समझ जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा सयाना नहीं है। अच्छा, लाड प्यार में हो सकता है परेशान। शराब पीता क्या? हाँ, थोड़े बहुत शराब भी पी लेता है। ये मतलब है साहब? बोलो क्या बात है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो क्या बात है? कि मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। माधवराम, तुम्हें मालूम होना चाहिए पुलिस की नौकरी भवाले जान होती है,
नहीं तो खाने की फुर्सत तो नहीं तो नहाने की फुर्सत। और आज ही तुम्हें वर्दी मिली है और आज ही तुम छुट्टी की अपील करते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने लिखा है कि एक हफ्ते की छुट्टी लेकर चले आओ, तो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। बहुत अच्छी बात है साहब, एक हफ्ते के बाद आकर हम ड्यूटी को ज्वाइन कर लेंगे। हवलदार माधवराम का जो रिवाल्वर है ये सरकारी कैप है, बेल्ट है, ये सब जमा खाते में, ये खजाने में जमा करवा दो और माधवराम को जाने दीजिए। बहुत अच्छी बात साहब, याद रहे एक हफ्ते के अंदर आना होगा तुम्हें माधवराम, ठीक है, वहां जमा करा देना पीछे, चलो जमा करा दीजिए। बहुत जल्दी कोशिश करना, साहब बोलो, एक हफ्ते का मेरा इंतजार करना और एक हफ्ते के बाद आकर हम ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए माधवराम बहुत अच्छा लड़का है, और उसकी वाइफ ने जब पत्र लिखा है मैं कैसे इनकार कर सकता कि तुम घर मत जाओ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उसकी वाइफ ने लिखा है। चलो एक हफ्ता आने का इंतजार करते हैं, आइए नौकर, कहने का मतलब अभी तक राजू नहीं आया है, उसकी भाभी उससे पटी या न पटी रे कुछ खबर नहीं बताया है। अरे मां लुब 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 रहा है, मेरे यार बंसी कहो मेरे दोस्त राजू, क्या बताऊं ऐसा भेजा खराब है यार, जिस बार जाता हूं अपनी भाभी को अपना बनाना चाहता हूं, हर बात में इनकार, हर बात में इनकार, नजर से किस मूड की औरत बनी हुई मादर चोद है मेरे दोस्त, कहने का मतलब वो साली अपनी फसल पे फूलती है, जाओ इस चम उसकी फसल जला करके राख बना दो मेरे दोस्त, ये बात है घुटनों पे गिर जाएगी, समझाने से कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, नौकर चल मेरे साथ, चलो इसी वक्त चल, लगा दो साली बुच्ची फसल में, जब लगा दो क्या हो जाएगी ताने ताने को, राजू मादर चौक बंसी दीवाना आज तेरे खानदान में ऐसी आग लगाएगा ना तो चैन से जी सकेगा ना चैन से, कहाँ को चल रहे हो, आग लगा, अकेले साले आ क्या होता है, आग लगाने के लिए, आग लगाने के लिए कुछ लाए हो, माचिस हम करे हैं, माचिस घर पे भूल गए और जगह है चार है आग लगाने के लिए, किसी से लड़ाई लड़ने जाओगे सर डंडा लाठी घर में भूल जाओगे, बहुत जल्द माचिस लेकर क्या होगा, लेकिन एक बात मैंने सुना है नौकर, मैंने सुना है कि आग लगाने वाला कोढ़ी हो जाता है, हाँ आग लगावे वाला ना है, आग देने वाला कोढ़ी हो जाते, क्या कहा कि आग देने वाला कोढ़ी हो जाए, तो इसके मतलब कोढ़ी कबरा हो जाती है, फसल में आग लगाएंगे हम और तुम, आग तो इन्होंने दिया है ना कोढ़ी, ये और ये समझते होंगे क्या मेरे पास में बाजी नहीं है, क्योंकि ही जाओ तुमसे जंग लड़ने तो पिस्तौल घर में भूल जाऊं, चलो नौकर पढ़ा पैगा उसकी फसल में लगा दो सरकार, किसानी मर गए रे, मेरे सारे भैया
सम्यक रहा दो, साफ फसल में रहा दो, बर्बाद हो जाने दो उल्लू। इसी फसल का था सारा मुझे राजू, और जो आग लगाई है तुमने राजा, है जो आग लगाई है तुमने उस आग में तन बली क्या कहा राजू ने फसल को आग लगा दिया। हेलो हेलो, ये आगे गया हरे मकान मालिक की तरफ से 20 रुपए इनाम आया है। कहते हैं तुम्हारी फसल जल गई है, इसलिए तुम्हारे लिए मदद में देते हैं। कहते उसकी नाश हो जाएगी। सुखराम यादव, हेलो, ये सुखराम यादव ढीका निवासी, उनकी तरफ से 101 रुपया व्यवहार मिला। रे गौरी, वो राजू ने फसल में आग लगा दिया तो हो के Yeah.
मेरी फसल नहीं प्रेतोरी, हम पोषने के लिए इसी दम जाएंगे और एक बार समझ ले उस कमीने से पूछेगा कि तूने मेरे फसल में आ। हेलो हेलो, ये आगे भी हमारे मकान मालिक की तरफ से 10 रुपए तुम्हारे लिए मदद देते हैं। इस बात के लिए तुम्हारी फसल जल गई है, तब घर के अंदर चलो और मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हें नहीं जाने, मुझे मत रोको। या भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। ये राजू के मकान पे पूछने गए हैं कि तूने मेरी फसल में आग क्यों लगाया। वो मेरी बिनती सुनो तो जानो। हाय मालूम कि तुझे मेरा राम नहीं तो इस जग में तुझको कर दूंगी बदनाम। दुनिया में तेरा मेरा दोस्त। कहने का मतलब
अब हम तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारा रास्ता, हमारा रास्ता अगर बदला चाहते हो तो अपनी जान को कितना मादर चौधर है, भोसड़ी के आज तक सभी रास्ते बताए और जब मेरा तो मरने को आया कहते तुम्हारा रास्ता इधर है, हमारा रास्ता इधर है, अगर तरकीब नहीं बताई छे तुम्हारे पेल कहने का मतलब तरकीब जानना चाहिए, क्योंकि तरकीब बताओ ताकि हमारी जान तो बचे। जान तो बच सकती है मेरे दोस्त, बच सकती है, लेकिन हम तरकीब बताएंगे उस रास्ते पे आप चल पाए तो। ऐसा कौन सा रास्ता है? वो रास्ता मेरा तो जानना चाहते हो। अगर माधव राम तुम्हें लाठी से मारने आ रहा है तो इस काम तुम पहुंचो अपनी हवेली को। हवेली को? हाँ, और जाकर के अपने लड़ाई की जड़। लड़ाई की जड़ शुरू वहीं से होती है जहाँ पे क्या था मेरा बाप। कहने का मतलब लड़ाई की फसाद तुम्हारा बाप है। आज के दिन अगर माधव को नहीं लाया होता शायद ये दिन नहीं आता। सही कहा मेरे दोस्त राजू, तो देर किस बात की, पढ़ाओ पैगाम हवेली को, जाओ अपने बाप का मरण उड़ा। देख रहे हो साले की, बता रहे जा अपने बाप का खून कर दो और ये साला जा रहा है पुलिस को खबर करने के लिए। हम बाप का खून करें और पुलिस आए हमें पकड़ ले, चलिए फांसी का फंदा लटका दे, है ना? तू बचना चाहता रे बंसिया, समझो नहीं? समझो मेरी बात, कहने का मतलब तुम यहाँ से जब जाओगे अपने बाप का मर्डर करोगे, चादर से ढक देना, और जिस टाइम माधव राम तुम पे लाठी से वार करेगा तो कहना भाई साहब मार देना चाहता है, इस लाठी से क्यों मारोगे, ये लो हमारा खंजर, इससे मार दूंगा। अगर जब उसके हाथों में तुम्हारा होगा खंजर, उसी टाइम मैं थाने से लेकर आऊंगा पुलिस, और जब तुम पे तलवार से वार करेगा अपनी पिताजी की चादर को खींच देना और उसी टाइम पुलिस तुम्हारे हमें। कानून के नजरों में हो जाएगा बागी, तुम बाल 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 बचाओगे मेरे दोस्त। अरे वाह बंसी, वाकई में तू मेरा दोस्त कितना कंप्यूटर वाला है मेरे दोस्त। ऐसी तरकीब बताया, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ठीक है मेरे यार, मैं इसी वक्त जाकर अपने बाप का खून कर रहा हूँ, अब बहुत जल्द पुलिस को लेकर। अरे नौकर, इस रजुआ को मादर जो तो ये नहीं मालूम ये हमारा दोस्त है क्या दुश्मन? मैं ऐसा जहरीला नाम पूरे नाम, इस काली वर्दी के पीछे काला नांग बन बैठा हूँ रे नौकर, मैं इसके खानदान को ऐसा डसूंगा इसे ये नहीं मालूम है। और दुनिया वालों ये बंसी की चाल देखना, और दुनिया वालों ये बंसी की चाल देखना, राम राजन समरिया कमाल। चौकीदार हवलदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए एक हफ्ता पूरा होने को है, लेकिन माधव राव अभी तक वापस नहीं आया। ये दो ये भागते हुए थाने की तरफ जाकर आया। जबान लगती तेरी उल्लू की पट्टे का, तो साहब मर गए।
बोलो क्या काम है, किस काम के वास्ते आए हो? आप बोलो। अरे लड़ाई देखकर पढ़ाओ नहीं, सही बोलो क्या बात है? बोलो, दूर बात करो। लड़ाई देख कर आयो, कहाँ कहाँ लड़ाई हो रही है? जगतगंज में साहब। जगतगंज में? किसके वहाँ? भाई भाई लड़ रहे हैं। भाई भाई लड़ रहे हैं? तो एक के हाथ में तलवार, अच्छा इसका मतलब अगर देर करेंगे तो साले खून भी हो सकता है। वो कह रहे हैं अपने बाप से, अगर इस हमेली में हिस्सा ना मिला तो हम बुढ़े पर जाएंगे। तो हिस्से बांट के लेकर के लड़ाई हो रही है, तो अगर देर करेंगे तो वहां पर मर्डर भी हो सकता है। हवलदार, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, फौरन चलो माधवन।